बाहों में बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, रोमांटिक मूवी है। दर्शकों की जो मांग होती है फिल्म में कुछ अलग होना चाहिए, अलग हीरो है, अलग हीरोइंस हैं, और उसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि फिल्म हाय, मेरा नाम रितु पांडे है, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं दोबारा फिल्म साजन की बाहों में। मैं एज ए अभिनेत्री डबल रोल में दिखूंगी, हीरोइन और विलन। ये फिल्म बहुत ही रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में आपको नया हीरो, नई हीरोइंस, नए कलाकारों से भी रूबरू होगा, प्लस इसमें फाइट है, एक्शन है, एक सिंगर के ऊपर की ये स्टोरी है, जिसपे मेरा ये किरदार रहा है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सडनली ये मुझसे दूर हो जाते हैं, बाद में मुझे पता चलता है किसी और से प्यार करते हैं। बस यही सारी बदले की भावना से मैं मेरे फिल्म में मैंने भूमिका निभाने की कोशिश की है। भूमिका मेरी है, मतलब कि मैं मैंने अभी बताया एज ए हीरोइन से एज ए विलन कैसे बनती हूँ और मैं कैसे अपने हीरो से बदला लेती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, तब मैं इनके लिए अपनी जान तक दे देती हूँ। इस फिल्म में आर एस तिवारी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिस हिसाब से इन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई है बहुत अच्छे से इन्होंने करने की कोशिश की है। अभी तक की जितने भी हीरो हैं, और जाहिर सी बात है उससे कुछ अलग ही आपको इन हीरो में दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं जनता सब जानती है, जनता को जो पसंद आ जाए वो हीरो है। देखिए अश्लीलता की जहाँ तक हम लोग बात करें तो कुछ हद तक तो कम हुआ ही है, लेकिन हाँ पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये सब कुछ ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस फिल्म को ठुकराते हैं, किस फिल्म को लाइक करते हैं, उसके हिसाब से हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं। अगर दर्शकों को फिल्में पसंद आ रही है तो फिल्में बनती रहेंगी, और नहीं पसंद आएगी तो फिल्म क्यों बनेगी जी। और पूरी कोशिश की जा रही है कि अच्छी फिल्में बने, पब्लिक को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, फुल एंटरटेनमेंट लीजिए आप, क्योंकि अगर हम पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो शायद हमें एक्टर बनने का कोई हक नहीं है। हाँ, मेरी और भी सारी मूवीज़ हैं, पहले तो लोगों ने मुझे भौजाई, कॉमेडियन और बहुत सारे, अब मैं आप लोगों को नए रूप में दिखाई दूंगी एज ए विलन, एज ए हीरोइन, एज ए आइटम सॉन्ग। मेरी अभी फिल्म आ रही है मुख्तार, उसके बाद मेरी फिल्म एक बहुत हिट गई है हसीना मान जाएगी, जिसमें लोगों ने मुझे बहुत मतलब पसंद किया है। आगे भी मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी काम मेरे पास आएगा मैं उसको बेखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। हाँ मुख्तार जी, हाँ उसमें, उस पर भी मैंने एज ए विलन काम किया है, मैंने आइटम सॉन्ग किया है, काफ़ी अच्छे सीन्स हैं मेरे, और फाइट भी करने की मेरी कोशिश रही है उसमें जी। थैंक यू। बोलो, रोल हुआ हाँ। फिल्म यह एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली ड्रामा है, जिसमें आपको एक्शन भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है। यह एक साफ सुथरी फिल्म है जिसको आपको पूरे फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं। हाँ, इस नाम की भी एक हिंदी मूवी आई थी जिसके हीरो ऋषि कपूर थे, और ये फिल्म जब मैंने बनाना जब चालू किया तो मेरे हीरो आर एस तिवारी को भी देख के लोग बोल रहे थे ये तो दूसरे ऋषि कपूर आ गए हैं। तो फिल्म तो मिला जुला के उससे अच्छी बनी है, और मेरी उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को ज़रूर पसंद आए। इसके अलावा है मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो जिसका टाइटल है त्रिशूल है, उसका अभी कास्टिंग चल रही है, जब हमारी कास्टिंग फाइनल हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। जी, सबसे पहले मैं दामोदर राव आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं, और आज जो 25 दिसंबर का दिन है, जो आज बड़ा है क्रिसमस डे का दिन है, और आज नौरंग सिनेमा में मुंबई में फिल्म जो आज रिलीज हुई है साजन की बाहों में, काफ़ी अच्छा गीत है, इसमें हमने कोशिश किया है कि काफ़ी अच्छा गीत बनाया जाए, और वाकई सिंगरों ने, गायकों ने अच्छा ढंग से गाया है। फिल्म भी काफ़ी अच्छी बनी है, मुझे विश्वास है कि ये गाना लोगों को पसंद आएगा, फिल्म भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें लगता है 8 या 9 गाने हैं, और सारे गाने अच्छे हैं। हाँ हाँ, सब गाने इसमें अच्छे हैं। सिंगर इसमें है इंदु सोनाली है, रूपेश मिश्रा है, खुशबू जैन है, मोहर राठौर जी हैं, काफ़ी सिंगर हैं,
सब अच्छे से सिंगर है। थैंक यू सबसे बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाई सभी लोगों को। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, हिंदी का नाम है फिर भी समझिए हिंदी टाइटल दिया गया भोजपुरी फिल्म को, फिर भी कहानी थोड़ा अलग हटके है और सर जी का म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है। हमें मतलब उम्मीद है कि फिल्म मतलब सक्सेसफुल जाएगी और बहुत ही बढ़िया संगीत है, कहानी भी स्टोरी है और तिवारी सर हैं बहुत बड़े एक्टर हैं, कोई बहुत बढ़िया अपने सभी लोगों सभी कलाकारों का सिंगरों का सब लोगों का मतलब बढ़िया योगदान रहा इस फिल्म में। मैं यही विनती करता हूँ कि मतलब फिल्म अच्छी बिजनेस करे, अच्छी तरह चले, सफल हो। बहुत धन्यवाद। जी नहीं, अभी तक हमने फिल्म नहीं देखी है, ट्रेलर देखी है, ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म अच्छी बनी है। जी क्या है अभी उसका ये मार्च में डेट मिला है पवन जी का, 5 मार्च से तो कुछ सीन्स हमने शूट किए हैं, म्यूजिक पे काम चल रहा है, 5 मार्च से हम दोबारा शूट करेंगे उसको। इसके अलावा मेरी 17 तारीख से एक हिंदी फिल्म की शूटिंग है, आखिर कब तक, अभी उसी की तैयारी में लगी। जी 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 उसमें सारे नए कलाकार हैं, विनय राणा हैं और ज़्यादातर सीरीज के कलाकार हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप लोगों का सभी दर्शकों को तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। साजन की बाहों में हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस फिल्म को लेके हमने बहुत मेहनत किया है और आज ये पर्दे पे लोगों के सामने आ रहा है और मुझे ओपनिंग बहुत अच्छी मिली है, बहुत सारी विशेज आई हैं, दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है हमें और मुझे बहुत खुशी है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत खुशी है। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है, हमारी फिल्म का गीत संगीत एक्शन स्टोरी स्क्रीन प्ले और लोकेशन से लेकर हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से हुई है, हर कलाकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। इस फिल्म को हमने दादरा दमन सिलवासा और गुजरात के कई अच्छे लोकेशनों पे किया है, कुछ सीन को हमने मुंबई फिल्म स्टूडियो में भी फिल्माया है और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे हमने सारी फिल्मों को शूट किया है। इस फिल्म में टोटल 9 गाने हैं जिसमें से 1 सैड सॉन्ग है और 8 रोमांटिक सॉन्ग हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं उस कहानी से इसका संबंध नहीं है, तब का ज़माना कुछ और था और आज का ज़माना कुछ और है, ठीक है, लेकिन हमें रोमांटिक टाइटल और एक अच्छा लगा जिसके हिसाब से हमने साजन की बाहों में नाम जरूर रखा, लेकिन उस फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म अलग हटके है और हमने ना तो कभी कोई दर्शकों को भोजपुरी में एक अलग पहचान हमें बनानी है और एक बेहतर फिल्म देनी है, ना कि किसी की कॉपी करके देनी है। मैंने दर्शकों को अपना, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने नया देने की कोशिश किया है, भोजपुरी समाज को एक नया टेस्ट देने के लिए किया है, अब उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगा। फैमिली की बात होती है कि फैमिली फिल्म नहीं देखती। जी 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 सर, ये फिल्म हमारी टोटल पारिवारिक फिल्म है और मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, सेंसर बोर्ड ने हमारे फिल्म का एक डायलॉग नहीं काटा है और कहीं भी अगर कोई भी बंदा बोल दे कि फिल्म में एक अपशब्द है तो अब आप समझ जाइए कि हमारी तरफ से 100% साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्म है, माँ बहन सब देख सकती हैं फिल्म को, फैमिली के साथ परिवार के साथ आप लोग आइए और फिल्म को देखिए, पारिवारिक फिल्म है साजन की बाहों। साजन की बाहों में पूनम जी हमारे डायरेक्टर क्या Thank you.
अच्छा ले ले फुटेज ले ले फुटेज खतरनाक सामने जाना तो मैं सबको मैरी क्रिसमस विश करना चाहूँगी और हमारे आरिफ तिवारी जी को जो जिन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया है साजन की बाहों में इनकी बहुत इनको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इनकी मूवी सुपर हिट हो सुपर हिट हो और यहाँ आज का शुभ दिन पे इन्होंने किया है जो भी आज क्रिसमस का दिन है जीजस जो है हमारे साथ अच्छा है इन गॉड का ब्लेसिंग है भोजपुरी में नंबर वन मूवी बनेगी साजन की बाहों में ये हमारा विशेष है पूनम चोपड़ा की तरफ से आदेश तिवारी जी को जी मैंने काफ़ी फिल्में की हुई है काफ़ी आइटम सॉन्ग्स की है मेरी अभी दो मूवी रिलीज़ होने वाली है फेब में एक तो जो भोजपुरी में मूवी होने वाली है जो जिसमें रवि किशन रानी चैटर्जी और मैं हूँ वो फेब में होगी रिलीज़ और सेकेंड है हिंदी मूवी बाफा माफिया बिग बॉस और श्रीलंका में मेरा बहुत बड़ा शो होने वाला है विथ मिस्टर गोविंदा इन बैलीस कसिनो में एशिया का नंबर वन कसिनो है वो और बाकी अभी साउथ में भी दो और आइटम सॉन्ग चल रहा है जो आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट बाकी दो रिलीज पर है और ऑलरेडी एक रन बनका कर चुकी हूँ मनीष पॉल रवि किशन और मैं इसमें भी आइटम सॉन्ग यस वो मूवी रिलीज हो चुकी है जोड़ी नंबर वन में भी आप कर रही हैं यस जोड़ी नंबर वन में भी हो चुका है रिलीज पर है अभी फेब में माफिया बिग बॉस भी रिलीज पर है बाकी जो शो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है मेरे दो शो लाइंड अप पर है जो एक तो बैलीस कैसिनो जो एशिया का नंबर वन है उसमें मेरा सीधा गोविंदा के साथ है परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्मेंस 14, 15, 16, 17 को एंड बाकी फेब 14 को भी है मलेशिया में तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर बस दुआ है आप सब लोगों की थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मिस्टर आर एस तिवारी ओके थैंक यू अभी चालू नहीं है तिवारी जी को आरिश तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई और इनके इन माइक पे जो है मैं ये मूवी देखने आई हूँ और साजन की बाहों में सबसे अच्छी तो बात तो ये है कि इसका टाइटल ही बहुत अच्छा लगा मुझे और इसके लिए मैं दौड़ते हुए चली आ रही हूँ यहाँ पे आके सबके सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं चाह रही हूँ कि ये सुपर सुपर जो है हिट हो जाए ये फिल्म और आगे से आरिश तिवारी जी फिर से फिल्म बनाए एक बहुत बड़ी फिल्म बनाए थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो तिवारी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो पिक्चर सुपरहिट हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म सुपरहिट होगी और जब सुपरहिट हो जाए तो जरूर मुझे बताइएगा दिलीप जी आपकी भी फिल्म कंप्लीट हो गई है मेरी फिल्म अभी कंप्लीट हुई है हमारी जोड़ी नंबर वन लखनऊ में मैंने शूटिंग की थी फिल्म मुकम्मल हो गई है और फरवरी में हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है और बिग मेकिंग है बिग प्रेजेंटेशन और बिग पब्लिसिटी होगी टोटल कमर्शियल फिल्म है एंड आई एम श्योर भोजपुरी सिनेमा में एक अपने आप में एक माइलस्टोन होगी फिल्म जी मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई और इंडस्ट्री में तो पिछले एक साल से हूँ काफ़ी मूवीज़ की है काफ़ी शोज़ की है ये ऊपर वाले की दुआ है कि मुझे लगातार काम मिलता गया कॉन्टैक्ट्स बनते गए बस एंड थैंक यू टू मिस्टर दिलीप गुलाटी जो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं तो बस है हमारे माता की कृपा है मैं माता में बहुत बिलीव करती हूँ जो हो रहा है बस एक एक करके काम मेरा पहली नहीं पहली मेरी फिल्म थी रन बन का मैंने काफ़ी होर्डिंग शूट्स भी किए काफ़ी म्यूजिक वीडियो एल्बम भी किए बट जो मेरी अच्छे लेवल पे मूवी थी वो रवि किशन के साथ हुई आइटम सॉन्ग रन बन का उसके बाद जोड़ी नंबर वन जो दिलीप जी ने हमें ब्रेक दिया दिलीप जी और रवि जी ने मिलके दिया
thanks to Mr. Dilip Gulatin and as well as Mr. Ravi Kishan. And I would like to wish him Merry Christmas as well as get well soon. जो अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, I think आपने सुना होगा. बट आज जो है वो उन्होंने भी मौका दिया हमें और इन्होंने भी दिया. उसके बाद हमें लगातार काम मिलता गया, लगातार काम होते गए. अभी जोड़ी नंबर वन के बाद हमारी माफिया बिग बॉस जो वो भी बैक टू बैक रिलीज है. जोड़ी नंबर वन के बाद माफिया बिग बॉस जो इनकी ही है, डायरेक्टर भी ये है, प्रोड्यूसर भी ये है, उसमें उनका हिंदी पिक्चर है वो. और उसके बाद हम लोग हाँ हाँ हिंदी फिल्म और मैं कर रही हूँ, अभी और दो शूट कर रही हूँ. बाकी मैंने जैसे बताया कि अभी मैं शोज़ में काफ़ी डेट्स दे चुकी हूँ. बाकी अभी और बहुत जल्द आप शायद और एक सरप्राइज है, शायद आप हमें CCL मैच में भी देख सकोगे. जो बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में देखो फ़र्क कुछ नहीं होता है एक रीजनल मूवी और बॉलीवुड में. बॉलीवुड थोड़ा ऐसा है, वो अपनी जगह पर टिके, वो हिंदी लेवल पर है, भोजपुरी अपने लेवल पर है. यू कैनॉट कंपेयर टू बोथ थिंग्स, आई डोंट थिंक सो. लेवल तो दोनों जगह, जैसे अगर एग्जांपल मैं रवि जी का दूं, रवि किशन जी हालांकि बहुत बड़े सुपरस्टार है भोजपुरी के, काफ़ी लोग ऐसे हैं, तो वो बॉलीवुड में भी है, बट उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ये बात होती है. बाकी आप हमारा सारा सवाल दिलीप जी से बोलोगे, पूछोगे तो अच्छी रहेगा. एंड और एक मैं हमें RS तिवारी जी ने इनवाइट किया है, तो हम यही चाहते हैं कि ये मूवी काफ़ी सुपरहिट हो और आने वाले टाइम में और मूवी ये बनाए और हर मूवी सक्सेसफुल हो. और बहुत जल्दी आप देखोगे हमें कुछ अलग मुकाम पे. भोजपुरी में ऐसी एंट्री हुई नहीं. पूनम चोपड़ा, थैंक यू सो मच.